हमारे लिए दिल्ली में हर एक व्यक्ति एक जैसा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो। आप जाइए बीजेपी के राज में, जाइए कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और वहां वो टेंशन क्रिएट करते हैं। यूपी से लोग जाते हैं महाराष्ट्र में और शिवसेना के लोग उनको भगाते हैं। हमारे यहां प्यार है, भाईचारा है, और हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं। शीला जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई और इस बात को सब लोग मानते हैं, इनका एक्सपीरियंस है, और ये आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे। दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार चलाई और इस बात को सब लोग मानते हैं, इनका एक्सपीरियंस है, और ये आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो को और आगे बढ़ाना, मोनोरेल की बात है, शिक्षा की बात है। एक तरफ शीला जी है, जिन्होंने जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने काम करके दिखाया है, और दूसरी तरफ बीजेपी है, जो बात जरूर करती है, बड़े बड़े भाषण करते हैं, मगर यहां उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। और हमारी सरकार ने आपको आरटीआई दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। और आरटीआई से क्या हुआ, जो पहले बंद कमरों में निर्णय लिए जाते थे, आज वो बाहर आ गए हैं। और कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, अपनी सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है। शीला जी ने यहां भागीदारी का कॉन्सेप्ट शुरू किया कि सिर्फ सरकार निर्णय नहीं ले, आम आदमी सरकार से जुड़े और आम आदमी निर्णय ले। तो हमारी पूरी फिलॉसफी अधिकार की, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बनाते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, हम उनसे ज्यादा बनाते हैं। इस पार्टी की सोच है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनती है। सड़क बना दी, एयरपोर्ट बना दिया, अस्पताल बना दिया। हमारी सोच है कि जब तक हम आम आदमी को शक्ति नहीं देंगे, जब तक हम इन महिलाओं को शक्ति नहीं देंगे, तब तक शहर आगे नहीं जा सकता है। और पिछले 15 सालों में दिल्ली की सरकार ने और हिंदुस्तान की सरकार ने यह काम बहुत गहराई से किया है।